नमस्कार, आप सबका स्वागत है। चारा घोटाले के एक मामले में दोषी लालू प्रसाद यादव को बुधवार को कोर्ट में सजा सुनाई जानी थी, पर ऐसा नहीं हो सका और अब सजा पर सुनवाई गुरुवार को होगी। सजा की सुनवाई के लिए लालू को पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 10:15 बजे होटवार जेल से सीबीआई कोर्ट लाया गया। लालू यहां 23 दिसंबर की शाम से बंद थे। 10 दिनों बाद लालू जेल से बाहर निकले तो उनका अंदाज बिल्कुल वैसा ही दिखा जैसा कि पहले था। रांची में ठंड ज्यादा होने की वजह से लालू यूनी टोपी और स्वेटर पहने हुए थे। हाथाई में एक सफेद रुमाल भी रखा था। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात भी की। समर्थकों की भीड़ सुबह से ही कोर्ट और जेल गेट पर पहुंच गई थी। कोर्ट में लालू के आने पर समर्थक काफी उत्साहित हो गए और लालू यादव जिंदाबाद के नारे भी लगाए। काफी भीड़ भाड़ के बीच करीब सारे समर्थक लालू को अपना एक बार चेहरा दिखा देना चाहते थे। ऐसे ही माहौल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लालू को कोर्ट परिसर में पहुंचाया गया। कोर्ट परिसर के बाहर लालू के सैकड़ों समर्थक मौजूद थे, इसलिए वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने सीबीआई कोर्ट के पिछले दरवाजे से लालू को बाहर निकाला और जेल भेज दिया। राजद प्रमुख लालू प्रसाद रांची जेल से सीबीआई कोर्ट पहुंचे। लालू की पेशी के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। लालू की सुरक्षा में 4 डीएसपी लगाए गए थे। कोर्ट के बाहर रैपिड एक्शन फायर्स के जवानों को तैनात किया गया था। करीब 300 जवान बॉडी प्रोटेक्टर के साथ मुस्तैद थे। आशंका थी कि लालू के खिलाफ फैसला आने पर समर्थक हंगामा कर सकते हैं। इसी को देखते हुए रांची के कई थानों के प्रभारी पूरी फोर्स के साथ कोर्ट कैंपस में तैनात थे। हालांकि मामले की सुनवाई कल होने के कारण लालू को पुनः कोटवार जेल भेज दिया गया।